एक विवाह ऐसा भी। जी हाँ, धूमधाम से बारात आई, बारात का स्वागत भी हुआ। जब सात फेरे पड़ने की बारी आई तो दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। फिर क्या था, दूल्हा राजा शादी करने की जिद पर अड़ गए और दुल्हन के इंतजार में मंडप में ही धरने पर बैठ गए। जिसके बाद दुल्हन की तलाश की गई तो दुल्हन पूरे 13 दिन बाद मिली। इस दौरान दूल्हा राजा सेहरा और शेरवानी में ही लड़की पक्ष के घर डटे रहे, लेकिन दूल्हे का ये इंतजार आखिरकार सफल हुआ और लड़की के आते ही उनकी शादी भी कर दी गई। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है। ये पूरा मामला राजस्थान के पाली जिले का है। यहाँ 3 मई को सिरोही के मनादर गांव का दूल्हा बारात लेकर आया था, लेकिन फेरों से 10 मिनट पहले दुल्हन पेट में गड़बड़ का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल गई। उसके बाद वो अपने रिश्तेदार लड़के के साथ वहाँ से भाग गई और गुजरात चली गई। पता चलने पर परिजनों के होश उड़ गए। उधर दूल्हा अपने परिजनों के साथ दुल्हन को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था और ससुराल में बैठा इंतजार करता रहा। बाद में बड़ी मशक्कत कर परिजनों और रिश्तेदारों ने पुलिस की मदद से दुल्हन को खोज लिया। इस पर पुलिस गुजरात के विसनगर में लड़के के परिवार तक पहुंची। वहां दोनों मिल गए। पुलिस ने लड़की के पिता को बुला लिया। आरोपी के पिता ने अपने बेटे को मना लिया। आरोपी माना तो दुल्हन भी मान गई। इस पर पुलिस ने दुल्हन को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। मतलब करीब 13 दिन बाद लड़की को वापस लाया गया। बाकी के रस्म रिवाज पूरे कराए गए और रीति रिवाज के अनुसार उसकी विदाई की गई। इस पूरे घटनाक्रम को सेटल करने में केवल घराती बराती ही नहीं बल्कि आरोपी पक्ष के परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे बड़ी कड़ी बने दुल्हन के पिता। उन्होंने आरोपी के पिता से संपर्क साध कर पूरे मामले का निपटारा कराया। हालांकि इस मामले में दूल्हे की भी तारीफ करनी होगी, जो पूरे 13 दिन मंडप में ही दुल्हन का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसने सेहरा और शेरवानी भी नहीं उतारे थे। आखिर में उसका ये इंतजार सफल हुआ। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।